दोस्तों, ये फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी, तो ऊर्जा कितनी है ये आपको बताना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है, और उसको W से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। कार्य कितना दिया है, 1000, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कार्य कितना दिया है, 1000 जूल। समय कितना है, 2 सेकंड। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा आपका, 500 वाट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखेंगे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे आपको जी बराबर दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा। तो आपको एक फार्मूला ध्यान में आ रहा होगा कि किया गया कार्य W बराबर MgH लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, द्रव्यमान M बराबर दिया है 20, ठीक है। G यानी कि G का मान कितना दिया है, 10। H यानी कि जो आपका ऊंचाई है, हाइट आपका दिया है 2 मीटर, गुणा कर लेंगे 10 दूना 20, और 20 20, ये आपका हो गया 400। तो 400 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसमें MgH यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप जी का जो वैल्यू है गुरुत्व त्वरण का वो आपका दे रखा होगा, तो वो पुट करेंगे वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका जो द्रव्यमान है वो 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई याद कीजिए, जिसमें आपको जी की वैल्यू दे रखी है, गुरुत्व त्वरण आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो निहित ऊर्जा है, या फिर उसको स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं, उसको EP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है कितना, 1500 जूल। और आगे आपका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपको एम बराबर दे रखा है 15 kg। फिर आगे गुरुत्वीय त्वरण जो है वो आपको जी दे रखा है 10 जी बराबर। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आपको EP यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर MgH लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्थितिज ऊर्जा कितना दे रखा है, 1500, और MgH लगा देंगे, M कितना है 15, द्रव्यमान, जी कितना दे रखा है 10, और हमसे हाइट पूछी गई है यानी कि एच पूछा गया है। तो यहाँ पे काट देंगे जो कटेगा, 15 से ये कट जाएगा 100, और यहाँ पे 10 है, 10 से काट देंगे, 10 दहा में 100, यानी कि एच की जो वैल्यू आ जाएगी, एच बराबर वो आ जाएगा 10 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम द्रव्यमान आपको दे रखा है कि एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। दोस्तों, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको लिख लेना है, उनको समझना है, देख लेना है कि ये जो 3-4 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले, उनको ध्यान में रखना है। जैसे MgH का हो गया 1/2 Mv2² - V1² तो ये सब जो फार्मूले हैं इनको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपको 2 वेग दे रखा है, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ठीक
ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है ये क्या है, 1/2 m v2² - v1² वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1/2, द्रव्यमान कितना है आपका 800, v2 कितना दे रखा है आपको 10, तो 10² - v1 कितना है 5, 5² अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 400, तो यहाँ पर आपका हो गया 400 ब्रैकेट में, ये हो गया 100, ये हो गया 25, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000 जूल, और 30,000 जूल को अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये 3 जीरो कट जाएगा 1000 से, ये आपका हो जाएगा 30 किलो।